देश में कोरोना वायरस के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। बॉलीवुड सिंगर कनिका कपूर के कोरोना वायरस पॉजिटिव होने के बाद अब बॉलीवुड के गलियारों में एक और शख्स के कोरोना संक्रमित होने की खबर आ रही है। अब खबर आई है कि रावण और चेन्नई एक्सप्रेस जैसी फिल्मों के निर्माता करीम मोरानी की बेटी शजा मोरानी का कोरोना वायरस टेस्ट पॉजिटिव आया है। शजा 31 साल की है और उन्हें नानावती अस्पताल में आइसोलेशन में रखा गया है। ये जानकारी एक अंग्रेजी वेबसाइट में दी गई है। रिपोर्ट के अनुसार मोरानी मुंबई के जुहू में रहते हैं। अब नगर निगम जल्द ही उनके घर को सैनिटाइज करेगा। इस मामले में बीएमसी कॉरपोरेटर ने बताया कि पूरे घर को लॉकडाउन कर दिया गया है। बिल्डिंग में कुल 9 लोग रहते हैं। इन सभी की जांच कराई जाएगी। आपको बता दें, ये जुहू का पहला ऐसा मामला है। करीम मोरानी ने वेबसाइट को टेक्स्ट भी भेजा है जिसमें उन्होंने अपनी बेटी को लेकर जरूरी जानकारी दी है। करीम मोरानी ने कहा, मेरी बेटी विदेश से आई किसी व्यक्ति के संपर्क में नहीं थी। एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते ये मेरा कर्तव्य है कि हर उस व्यक्ति को मैं बता दूं जो उसके संपर्क में आया है, वो जांच करवा ले। हमने उसे नानावती अस्पताल में भर्ती कराया है जहां उसे आइसोलेशन में रखा गया है। बता दें, करीम मोरानी की गिनती बॉलीवुड के बड़े निर्माताओं में होती है। अभिनेता शाहरुख खान उनके काफी अच्छे दोस्त हैं। मोरानी ने शाहरुख की कई फिल्मों को प्रोड्यूस भी किया है जिनमें साल 2015 में आई फिल्म दिलवाले भी शामिल है। आपको बता दें, भारत में अब संक्रमण के मामले 4067 से ज्यादा हो गए हैं। कोरोना वायरस को देखते हुए इस समय देश में 21 दिनों का लॉकडाउन लगा हुआ है।